अरे हर घर में है दो ही नाम, दो ही नारा गूंजेगा। भारत दुनिया का बच्चा बच्चा जय जय भारत बोलेगा। गाने की तो आपने बदल दिया, जय श्री राम बोलेगा, जय श्री राम बोलेगा, जय भारतीय बोलेगा, भारत माता की जय, जय भारत, जय भारतीय। जय श्री राम बोलने में शर्म आती है? जय श्री राम अल्लाहू अकबर। सूर्य फातिहा पता है आपको? ये हिंदुस्तान का, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने अल्लाह अकबर बोला तो जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन आपने टोपी लगाई है तो टोपी लगा सकते हैं आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप टोपी वाले हैं। अगर टोपी वाले हैं तो सूर्य फातिहा बताइए। देखिए सबसे पहला आप जितने जितने तो आप या फिर ये टोपी की आइडेंटिटी का मतलब कुछ और है। आप जितने मीडिया बंधु है, पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे अपनी बात रखने की मौका दी। देखिए ये आप मुझसे सूर्य फाती बोलवाएंगे, सूर्य फातिहा, ये श्री राम बोलवाएंगे, देखिए ये सब चीजों में हम भारतीयों को सर लिखा हुआ है, समझ गया, आइडेंटिटी वही बनाई है। सर जी देखिए, अगर आप साधारण होते ना, सुनिए सुनिए, अगर आप साधारण होते ना तो हम नहीं कहते। आपने जो चीजें यूज की है ना, धार्मिक चीजें यूज की है, वो टोपी यूज की है, तिलक यूज किया है, हल्दी या चंदन है? ये हल्दी या चंदन है, दोनों मिक्स है, हल्दी और चंदन दोनों मिक्स। कहाँ से लाए? सुनिए मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से लाए। ये आपने जो बोल रहे हैं, ये तो भैरूपियों की ड्रेस है। सुनिए ये तो वो पैसे मांगने वाले घूमते हैं, वो बनाते हैं। देखिए एक चीज सुनिए, एक चीज बता देते, ये हिंदुस्तान का सच है, जिसे 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 आप भैरूपिया बोल रहे हैं, और जिसे मैं बताना चाहूँगा आपके मीडिया द्वारा, जिनको बहरूपिया लग रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप आइए, आपको क्या चाहिए, कौन सा धर्म चाहिए, सुनिए, आपको मैं उनको पूछना चाहूँगा, आपको कौन सा धर्म चाहिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आइए उतार लीजिए उस वो धर्म रहने दीजिए जो धर्म आपको चाहिए, ठीक है। आपका सवाल नाम का है, मैं बता दे रहा हूँ, ये नाम का, धर्म का, पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं है। ये यात्रा जो है भारतीय संघ यात्रा है, भारतीय 140 करोड़ भारतीय के सम्मान में ये यात्रा है। कौन सी यात्रा? भारतीय संघ यात्रा। ये क्या है? भारतीय संघ यात्रा है। हम इस यात्रा के अंदर ये चार चार आइडेंटिटीज लेकर दिखाना क्या चाहते हैं आप, करना क्या चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इस सरकार में, इन आइडेंटिटी के बगैर बात नहीं की जा सकती इस सरकार में। देखिए आप लोग जो है ना, आप लोग बोलवाते, आपने धर्म का सहारा ले लिया, तवज्जो नहीं देगा। आप लोग बोलवाते कुछ और छापते कुछ और है। अगर मैं एक धर्म पे आता तो फिर आप धर्म का प्रचार प्रसार इस यात्रा को जो है आप धर्म का नाम दे देते। धर्म का सहारा तो इसीलिए धार्मिक प्रतीकों का सहारा लिया है। अगर धार्मिक का प्रचार प्रसार होता सर जी, तो मेरा ये जो सच है ना, ये सच मेरा आता नहीं। क्या लोगों के जो आप देख रहे इस भारत में, नहीं नहीं नहीं, इस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, हर नहीं नहीं हर धर्म, देखिए हर धर्म के लोग रहते हैं इस देश में, इस भारत देश में, और इस मोदी सरकार में हम सब जो है हर धर्म के लोग, हम लोग एक हुए हैं, साथ हुए हैं। अगर आपके साथ आप दो लोग होते, एक हिंदू होता, एक मुसलमान होता, तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? एक ही आदमी दो आइडेंटिटी लगा रहा है तो सवाल तो उठेगा। देखिए सवाल तो उठेगा कि उसकी वास्तविक पहचान क्या है। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ठीक है, उन लोगों को जो एक मिनट में टोपी, दूसरे मिनट में तिलक, उनको आप क्या कहेंगे? जो एक मिनट में टोपी पहनते हैं, नहीं नहीं आप एक मिनट में टोपी, हाँ दूसरे मिनट में जो तिलक पहनते हैं, तिलक पहनते हैं, इनको आप क्या बोलेंगे? मैं बताता हूँ क्या। तब तो उनके लिए आप तालियां मारते हैं, अरे देखो देखो मेरा देश का नेता, मेरा मेरा विकास का नेता। मैं बता रहा हूँ सर जी, एक मिनट में टोपी, सर जी जनता जागरूक हो गई है, एक मिनट में टोपी और दूसरे मिनट में तिलक, पहले मिनट में टोपी, दूसरे मिनट में तिलक, एक ही मिनट में दोनों चीजें नहीं होती, समझ रहे हो आप बात? सर एक मिनट में क्या, आपने तो एक मिनट मतलब 60 सेकंड का समय ले लिया, एक सेकंड में सारी चीजें होंगी। एक सेकंड में एक छत के नीचे हम एक हुए हैं। क्या हमने देखा है हिंदू माँ को मुस्लिम बच्चे को दूध पिलाते हैं,
मुस्लिम माँ को हिंदू बच्चे को दूध पिलाते हमने देखा, और ये हमारे भारत का संस्कार है, ये इस सरकार का संस्कार है जो हम एक हुए हैं। राम कथा मस्जिद में रखवाओगे? सर देखिए, आप तो ये जबरदस्ती वाली बात बोल रहे हैं। सब नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए देखिए, जबरदस्ती आप कर रहे हो। सुनिए, आपने दोनों चीजें मिल, देखो मैं मेरी बात देखिए देखिए, जबरदस्ती मिलाने से ना कुछ नहीं मिलता, दो चीजें जैसी हैं वैसे ही स्वीकार करो। इस सरकार में कहा है या एक मंदिर का भी, मंदिर का भी पालन होना चाहिए, मस्जिद का भी शांति पूर्वक से पालन होना चाहिए। अब जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती है जो आपने करा है सर, ये जबरदस्ती नहीं है, ये जबरदस्ती, ये हमारी भारत की संस्कृति है, भारत की ये संस्कार है, ये भारत की सरकार, इस सरकार मोदी सरकार का ये संस्कार है, ये संस्कार संस्कृति नहीं है, ये सत्य है, ये हिंदुस्तान का, मैं बताऊं भारत मैं का सत्य है। एक दो इसमें भारतीय संस्कृति है, और एक है अरब की संस्कृति, और एक है यूरोप की संस्कृति, कहां भारतीय संस्कृति? एक काम करो, एक काम करो, कलम की ताकत आपके पास है, ठीक है, तो बाकी जो यूरोप की संस्कृति है इनको यहाँ से गेट आउट करवा दो। हमने कब कहा? नहीं नहीं नहीं, गेट आउट करवा दो। फिर आप क्यों बोल रहे? ये भारत का, यूरोप की मानोगे ना सर जी? अरे जहाँ से उद्गम होता है वही मानोगे ना? मैं क्या बोलता हूँ? अरब की मानोगे ना? मैं क्या बोलता हूँ? फिर यहाँ वहाँ क्यों जाते हैं हज करने के लिए, यहाँ क्यों नहीं करते? सुनिए, आज भी विदेशों, सर आज भी विदेशों से जो अगर कोई यहाँ पे आके नागरिकता लेते हैं तो क्या ये हमारे नागरिक यहाँ का है? संस्कृति वहाँ की है सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी छोटे बच्चे को अपने साथ में रखेंगे ना, तो आप अपनी संस्कृति जो है ना उनके ऊपर डाल देंगे। ये सच है कि आज के डेट में हर धर्म के लोग सबका साथ, सबका विकास, मतलब क्या होता है? सुनिए सुनिए, धर्म का मतलब क्या होता है? सुनिए, धर्म का अर्थ क्या होता है? सबका साथ, धर्म का अर्थ क्या होता है? आप मेरी बात, आप मेरी बात, आप मेरी बात बोलने ही नहीं दे रहे। आप अपनी, सबका साथ सबका विकास इस सरकार का नारा है, अच्छी बात बस, और इसी नारे के साथ में ये सच है, सबका साथ सबका विकास जो मैं निकला हूँ 14 फरवरी को मुंबई से, ये सच को लेके मैं कहाँ गए थे आप? क्योंकि आपकी बॉडी से तो नहीं लगता कि आप पैदल चलते हैं, क्योंकि इतना वेट होने के बाद अगर कोई पैदल चलेगा तो वेट तो लूज होगा। कितना लगातार चलते हैं पैदल? नहीं, मैं करीब सुबह 6-7 बजे से कंटिन्यू मैं पैदल चल के, बीच में दूसरे भी वाहन इस्तेमाल करते हैं आप, मुझे पता है। मैं दिन को जो है 12-1 बजे के बाद थोड़ा सा मैं लंच के लिए रुक जाता हूँ, और रात मेरी जो 7-8 बजे 8:30 बजे तक मेरी पैदल यात्रा होती है। पैदल यात्रियों का ये शरीर के अंदर इतने ऐब और इतना फ्लैश नहीं होता सर? तो सर मुझे 14 फरवरी से आपको अपने साथ में रखना चाहिए था, बिल्कुल अपने साथ में रखना चाहिए। देखिए, बॉडी से तो कहीं नहीं लग रहा कि पैदल चल रहे हैं आप। देखिए, ये सब बातें नहीं है। देखिए, अभी जब सीरियस मुद्दा में चुटकुला नहीं होना चाहिए। नहीं ना, आपने चुटकुला बना दिया ना, देश की संस्कृति को, मैं आपने इस देश की संस्कृति का चुटकुला बना दिया। देखिए, आपने टोपी लगा ली, हल्दी लगा ली, तिलक लगा लिया। मैंने पूछा धर्म का मतलब पता है, मैंने पूछा सूर्य फातिया पता है, पता कुछ नहीं है, लेकिन लगा सब कुछ लिया है। देखिए, जानो, पहले जानो ना किस चीज को आप फॉलो कर रहे हो। देखिए सर, ये जो यात्रा जो है ना, मैं आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ। ये यात्रा जो है ना, देखिए मेरा इस यात्रा करने, अब मेन मुद्दे में मैं आता हूँ, मेरा ये यात्रा करने का मेन मकसद क्या है? इस सरकार में 8-9 सालों में जो हम भारतीयों का, भारत का झंडे का देश विदेशों में जो नाम हुआ है, टोकिएगा नहीं प्लीज, नाम जो हुआ है उसके लिए जो सरकार को 140 करोड़ भारतीय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ये भाव थी, मेरी मांग दो है, ये सम्मान हमें आगे भी चाहिए। और दूसरी जो है, हमारे एक वोट से हर नेता, हर पॉलिटिशियन को जब ऐसो आराम सुख सुविधा जब मिल सकता है, जब ऐसो आराम सुख सुविधा मिल सकता है, तो हमारे हर भारतीय के सम्मान में एक नारा लगना चाहिए, जय भारत और जय भारतीय। ये नारा पूरे विश्व भर में गूंजना चाहिए कि जय भारत और जय भारतीय। उसी उद्देश्य से मैं निकला हूँ 14 फरवरी को, ठीक है, पुलवामा में जो जवान हमारे शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं निकला हूँ। मोदी जी से यहाँ मैं आशीर्वाद लेके वो मैं चाहूँगा इस यात्रा के लिए मुझे दुआ करें। नहीं, आप लोग मिलाएंगे मुझे, ठीक है, आप लोग बहुत हिंदुस्तान का ताकतवर इंसान है, आप लोग मिलाएंगे, ठीक है। देखिए, मोदी जी के संज्ञान में ये सब बातें नहीं है, अगर संज्ञान में आएगी तो मुझे पूरा विश्वास है वो 140 करोड़ भारतीय को निराश नहीं करेंगे। जो मैं जो लेकर वहाँ से निकला हूँ, मैं आगे लाल चौक में जो है श्रीनगर वहाँ पे जाना चाहता हूँ, और वहाँ की जो व्यवस्था, शांति व्यवस्था, वहाँ 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 लाल चौक तोड़ दिया गया सर, मेरी बात तोड़ दिया, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, लाल चौक तोड़ दिया ऊपर से,
ना कोई लाल चौक टूटा है और ना कोई हरा चौक टूटा है, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ कि ये सरकार में जो लाल चौक में जो शांति व्यवस्था हुई है वहाँ पे मैं झंडा फहरा के सलामी देना चाहता हूँ। ठीक है, आम आदमी, आम आदमी नेता नहीं बनना चाहता, आम आदमी विकास के लिए, एकता के लिए, आम आदमी पार्टी से हो, एकता के लिए, विकास के लिए हर हिंदुस्तान का हर एक एक कोने पे चला जाएगा, लेकिन वो नेता नहीं बनना चाहता। आम आदमी अपने कार्य क्यों नहीं बनना चाहता नेता? देखिए नेता नहीं बनना चाहता, नेता का काम नेता ही करे वही तो बात है। आम आदमी में क्यों नेता नहीं बने? धर्म पर राजनीति होती है, कहाँ पे धर्म के नाम पर राजनीति होती है ये तो हम सुनते हुए आए थे, लेकिन अब आप राजनीति करना चाहते हैं फिर धर्म के नाम पे, जब धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं आप करना क्या चाहते हैं? भैया ये राजनीतिक जो है राजनेता को ही मुबारक है, हम आम आदमी है और हम आम आदमी लोगों को बस अपने काम से मतलब नहीं करता, टोपी नहीं लगा, कई आम आदमी एक ही आइडेंटिटी रखता है, चार आइडेंटिटी लगा के नहीं। जिन्होंने मुझे गले से लगाया ना, जिन्होंने मुझे खाने के लिए पूछा ना, वो कोई नेता नहीं थे, वो आम आदमी थे और हर धर्म के लोग थे सर, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, हर धर्म के लोग थे। आम आदमी हर कुछ करते है, आम आदमी लाइन पे खड़े रह के धूप भी लेते हैं, आम आदमी बर्दाश्त भी करते हैं, आम आदमी हर कोई चीज करते हैं। रोड और 420 का केस होगा आपके सर। देखिए आम आदमी, आम आदमी सब चीज झेलने के बाद आम आदमी अपना सही तरीके से, सही तरीके से, सही तरीके से काम करते हैं। हम तो लगी नहीं रहे, खास हो आप आम होते तो ये इतने सारे मीडिया लगी होती सर। आम 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 को, आम को आम ही रहने दीजिए, ठीक है। आम को जो है अंगूर मत बनाइए, आम को आम ही रहने दीजिए। देखिए देखिए हकीकत क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सीरियस मुद्दे में आ जाइए। देखिए हमारे हमारे पहचानों से खेलना बंद होना चाहिए इसमें, हमारे धार्मिक प्रतीकों, वेरी गुड वेरी गुड, आप कर रहे हो जो ये धार्मिक प्रतीक, सही बात, आज मीडिया ने सच कहा, सुन लो, सुनाओ, सुन लो, सुनाओ। तुम लोगों जो धार्मिक, जो धार्मिक से जो खेलते हैं, धार्मिक से खेलना बंद कर दो। अच्छा वाह, अच्छा ये किन नेता के लिए था? आपके लिए। किन नेता के लिए था? वेरी गुड वेरी गुड, सुन लो, उन नेताओं के लिए है ये लाइन। आपके लिए। आप लोग जो है ये मीडिया भाई का चेहरा दिखाइए, दिखाइए इनका चेहरा, आपके लिए, आपके लिए है ये। देखिए देखिए सस्ती लोकप्रियता का जो हथकंडा है ना, ये सही नहीं है। देखिए ये ज्ञान की बात करो, इस सरकार टोपी और तिलक लगा के उसका मिसयूज मत करो। इस सरकार में जो हम हर धर्म के लोग जो एक हुए हैं ना, उसके लिए इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। तब से हमेशा से एक थे, आपने क्या कर दिया? हमेशा से एक थे नहीं, हमेशा से जो है हम इस सरकार में जो है हम लोग साथ हुए हैं, इस सरकार में हम साथ हुए हैं हर धर्म के लोग। देखिए कोई एक ऐसा काम नहीं है जो इस सरकार ने किसी धर्म के ऊपर में कोई काम किए, कोई एक ऐसा काम नहीं। चलिए।